मैं हूँ कविता खोसा और मैं हूँ एक स्किन केयर वेलनेस आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और फाउंडर ऑफ प्योरस, जो कि एक एथिकल सस्टेनेबल नेचुरल स्किन केयर एंड वेलनेस ब्रांड है। तो बचपन से ही मुझे आयुर्वेद में शौक भी रहा है और जैसे हम बड़े हुए थे छोटे से एक शहर में, शहर भी नहीं कहलाऊंगी मैं, पूना में, हमारे इर्द गिर्द बस आयुर्वेद, उनानी, शुद्ध मेडिसिन, स्किन केयर वेलनेस के ऐसी लाइफस्टाइल रही है। फिर मैंने जाके आयुर्वेद पढ़ा भी है फॉर्मली, स्पेशली स्किन केयर और हेयर केयर मैंने ये पढ़ा हुआ है पूना में। मैं खुद ही सब हमारे जो प्रोडक्ट है फॉर्मुलेट करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से काम करना, नए नए आयुर्वेद जड़ी बूटियों को खोज करना, रिसर्च करना, उन पे काम करना और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो रिसर्च करके उनको यूज करना। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जड़ी बूटियाँ, नेचुरल प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छे होते हैं, नेचुरल खाना हमारे लिए अच्छा होता है, ऑर्गेनिक खाना हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि लॉज जो है, रेगुलेशन जो है, ऐसे कोई बने नहीं है जहाँ पे अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसके पीछे जरूरी लिखा हुआ होना चाहिए कि जैसे अगर टमाटर है या भिंडी है या कोई बेसन हम लेते हैं तो क्या उसमें पेस्टिसाइड हैं, कहाँ से आया हुआ है और सेफ है, सुरक्षित है कि नहीं, ये हमें पता नहीं होता है क्योंकि लॉज नहीं है अब तक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ब्यूटी के बारे में। जैसे हम जानते हैं आयुर्वेद में हमारे धरोहर में जैसे है कि हम नेचुरल जड़ी बूटियाँ हमारे किचन में जो होते हैं, जैसे पपाया, फ्रूट्स होते हैं, ओट्स होते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल, बेसन, ये सब चीजों से तो हम जानते हैं हमें हमारे ब्यूटी स्किन केयर के देखभाल करनी चाहिए। आज जो मैं बात करने वाली हूँ ये है कि अगर हम खरीदते हैं, मान लीजिए हम बेसन भी खरीदते हैं या हम एक बनी बनाई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कैसे जाना जाए कि ये हमारे लिए सुरक्षित है, सेफ है या टॉक्सिक है? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे स्किन, हमारे सिस्टम के लिए, हमारी हेल्थ के लिए सही है या नहीं है? या तो फिर हमारे जो समुद्र हैं, हमारी जो धरती है, हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो वातावरण है, उसके लिए भी सुरक्षित है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा आज मैं इस एपिसोड पे इस टॉपिक के बारे में बात करूं। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप अपने पेन, नोट पैड निकालें, थोड़ी से नोट्स लें। मैं बताने जाने वाली हूँ क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे सिर्फ खुद की त्वचा, खुद की सेहत, खुद के हेल्थ के लिए ही नहीं अच्छे हैं, पर हमारे समुद्र जो हैं, रीफ्स हैं, ओशंस हैं, हमारा वातावरण जो है, एयर जो है, मिट्टी जो है, धरती जो है, उनके लिए भी बहुत हानिकारक है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स जो हमारे लिए हानिकारक हैं और 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स जो एक सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। हम वो अगर चूज करें केमिकल टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स के बजाय तो उनका क्या हमारे ऊपर फायदा हो सकता है। तो चलिए पहला वाला हम शुरू करते हैं। काफी आजकल इसकी अच्छी चर्चा हो रही है और नॉलेज भी, अवेयरनेस भी चली है, ये है पैराबिन और पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, अब क्या है पैराबिन, पेट्रोकेमिकल्स हैं क्या और हानिकारक क्यों हैं? तो पेट्रोकेमिकल तो हैं पेट्रोल, सब हम जानते हैं। अब जब वो पेट्रोल बनता है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उसमें से काफी सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। अब पेट्रोकेमिकल के बाय प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते होते हैं और वो एक बहुत अच्छी फील देते हैं। अगर आप अपने स्किन पे लगाइए तो बिल्कुल ही एक स्मूथ फील देता है और उसमें इमोलियंसी फील आती है, तो लगता है स्किन पे कि बहुत ही नरिशिंग है। लेकिन ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक हैं
और जब ये पानी में जाते हैं तो ये जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, मछलियाँ, व्हेल्स, जो कॉरल्स होते हैं, जो पूरे मरीन लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, एक इकोलॉजी होती है, एक इकोसिस्टम होता है हमारे पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर, तो उनके लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो ये जो पैराबेंस है, अब हम सोचे हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए क्या इनमें बुराई है? तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिसफंक्शन, उसका इफेक्ट काफी ज्यादा है पैराबेंस से। ये रिसर्च करके हमें पता चला है कि पैराबेंस का ये हमारे सिस्टम पे कितना इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट आता है हमारे स्पेशली लेडीज के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। तो रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी पैराबेंस से, पेट्रोकेमिकल से बहुत ज्यादा है। तो आप हमेशा जब इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, चूज करते हैं, तो आप देखिए कि ये इंग्रेडिएंट आप प्रेफरेबली ना यूज करें। अब आप बात करेंगे सोडियम लॉरल सल्फेट की, SLS। ये भी आजकल इसकी अवेयरनेस काफी चली हुई है, चर्चा हो रहा है, तो अच्छी बात है। SLS क्या करता है? आप पाएंगे कि SLS नॉर्मली शैम्पू, कंडीशनर, क्लेंसर्स में होता है, क्योंकि ये झाग देता है। अब देखिए, सफाई के लिए झाग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर इतना ह्यूज है कि आपको कुछ ज्यादा झाग लगे तो लगता है कि सफाई हो रही है, पर असल में झाग का और सफाई का कोई संबंध नहीं है। तो SLS एक बढ़िया झाग देके आपको एक अच्छा फील देता है, लेकिन SLS जो है, फिर से हम बात करेंगे हमारे ऊपर, SLS सेम थिंग हार्मोन, और SLS से पाया जाता है हमारे सिस्टम के अंदर काफी कैंसर। ये काफी रिसर्च निकल रहा है, काफी सारा ब्रेस्ट कैंसर, लंपेक्टमीज, जेनेटिक रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी SLS से पाई गई है। और ऑफ कोर्स जो जल जीव हैं, हमारे ओशंस हैं, SLS जब हम इतना नहाते हैं, इतने करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में नहाते हैं, वो जो पानी जाता है वापस धरती के अंदर जाता है, वापस समुद्र के अंदर जाता है, तो वो जो SLS है, वो पानी जो है, वो झाग जो है, बहुत ही हानिकारक है। तीसरी, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड पता है लोगों को, जो बेहोश किया जाता है ना, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड इज वन थिंग जो यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए लोगों को, और फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही खतरनाक इंग्रेडिएंट है। अब फॉर्मेल्डिहाइड हम पाएंगे कैसी चीजों में, जैसे होता है काफी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी आप पाएंगे, पर आप पाएंगे ये जैसे नेल पॉलिश में। अब आप देखिए, मैंने नेल पॉलिश यूज की हुई है, तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये नेल पॉलिश मैंने यूज की हुई है, तो आप इससे देखेंगे ये नेल पॉलिश जो है टॉक्सिक नहीं है, सेफ है, सुरक्षित है, वीगन है, मतलब इसमें कोई भी पशु के पदार्थ नहीं है, और क्रूल्टी फ्री है, मतलब ये पशुओं पे टेस्ट नहीं किया गया। अब इसमें क्या नहीं है? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, इसमें फैलिक नहीं है, जो प्लास्टिसाइजर होता है, मतलब अगर आपको किसी भी चीज में एक कंसिस्टेंसी चाहिए, या आपको बिल्कुल एक उसके ऊपर जाकर अच्छा फील, इवन फील आए, वो थैलेट्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, इसमें वो भी नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नहीं है। तो ये ऐसे आप नेल पॉलिश ना आप चूज कीजिए जो वीगन हो, क्रूल्टी फ्री हो, और जिनमें वो ऐसे लिखते हैं 8 फ्री, 12 फ्री, 13 फ्री, मतलब फ्री ऑफ ये जो हानिकारक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम बात करने वाले हैं थैले। ये है एक प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिक से बना हुआ है, ये एक लैब में सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है। अब थैले से क्या हानिकारक है? ये पाया गया है रिसर्च में कि ये एस्मा से लिंक्ड है, ठीक है, दमे की बीमारी से लिंक्ड है, मेल फर्टिलिटी इश्यूज से लिंक्ड है। लो स्पर्म काउंट आजकल जो हो रहा है, मेल फर्टिलिटी इश्यूज हो रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ये भी रिसर्च अब हम देख रहे हैं, और ये एक क्लास, थैलेस एक क्लास ऑफ प्लास्टिसाइजर्स हैं, जिसकी काफी आज रिसर्च में चर्चा हो रही है और बैन करने की बात चल रही है। ये आप कहाँ पाएंगे? सारे कॉस्मेटिक्स में,
लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फाउंडेशन, काफी सारे स्किन केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, कॉस्मेटिक्स में आप ये पाएंगे, ठीक है? एक तो है बहुत चीप, ठीक है। दूसरी बात है ये एक ट्रांसपेरेंसी, ड्यूरेबिलिटी, एक फील, स्प्रेडेबिलिटी बहुत बढ़िया देती है। तो महंगी भी नहीं है और इसका जो फाइनल इफेक्ट जो आता है वो बहुत बढ़िया आता है, तो बहुत आसानी से टॉप ब्रांड्स इनको इसको यूज करती हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि हर एक इंग्रेडिएंट आप बताइए। अगर एक ब्रांड एथिकल है और अच्छी चीजें इस्तेमाल करता है तो हर एक अच्छी चीज पूरी लिस्ट बहुत गर्व के साथ बताएंगे हमने क्या क्या यूज किया है, और वो उसके परसेंटेज और वेट के हिसाब से वैसी आनी चाहिए। अगर ये एक मास्क है, ठीक है ना, ये मास्क है, तो अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स देखिए तो इसमें पहले ये मास्क में हनी दिखाया गया है, फिर इसमें किस तरह के क्लेज हैं, किस तरह के बटर्स हैं, ऑयल्स हैं, आयुर्वेदिक इसमें जड़ी बूटियां किस तरह की हैं, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो जब आप फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं तो एक उसमें ट्रस्ट, विश्वास आता है उस प्रोडक्ट में। अगर आप देखते हैं ये है, इसमें सिर्फ दिखाया गया है 4 इंग्रेडिएंट्स, ये क्रीम है, लेकिन इसमें होंगी अबाउट 30 इंग्रेडिएंट, 20 25 30 इंग्रेडिएंट्स होंगी, लेकिन सब इसमें दिखाई नहीं गई है, तो ऐसे प्रोडक्ट मुझे तो उस पर विश्वास नहीं होगा। हमने अभी की बात प्लास्टिसाइजर्स की, थैलेज की, और उनका क्या असर। थैलेज का ऑटो इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो बच्चों में अब रिसर्च बता दिखा रही है कि अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर ADD काफी पाया गया है ये सारी यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर्स में, ठीक है। तो ये एक हमने अभी इंग्रेडिएंट और देखा। प्रोडक्ट में अल्कोहल है, तो अगर एक समझिए क्रीम है, अब क्रीम अगर सिलिकॉन से बनी है, पैराबेन से बनी हुई है, ये सारी जो चीजें हैं नेचुरल नहीं है, मैनमेड, लैब मेड, सिंथेटिक हैं, तो अगर इससे कोई क्रीम बनी हुई है और वो आप अगर अपने स्किन पे लगाएं तो बिल्कुल ही हैवी लगेगी, क्योंकि नेचुरल तो है नहीं, उसमें कोई ऑयल भी होते नहीं है, तो ये तो आपकी स्किन पे बिल्कुल ऐसे जमी पड़ी रहेगी। तो उसके लिए अल्कोहल जब डालते हैं तो वो ऐसे फील होता है कि वो स्किन के अंदर चली गई है, स्किन के अंदर जैसे एक फील होता है कि वो अब्सॉर्ब कर चुकी है स्किन के अंदर, लेकिन नहीं, एक्चुअली वो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, वो ऐसे फील देता है, लेकिन अल्कोहल पेनेट्रेट और अल्कोहल जाकर अंदर स्किन को, स्किन सेल्स को ड्राई कर देता है। तो आप देखते हैं लॉन्ग टर्म यूज से कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है, स्किन बहुत ही ड्राई, इनफ्लेम्ड, रेड, इरिटेटेड हो जाती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स से यूज करने से लॉन्ग टर्म तो इनके इफेक्ट हम देख रहे हैं, तो स्किन एक्जिमा, रैश, इरिटेटेड, ड्राई, सेंसिटिव, सेंसिटाइज, और रोजेशिया जैसे कि लाल लाल हो जाती है, इनफ्लेम्ड हो जाती है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इनका जो फाइनल जैसे लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखा जाए तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अब और मैं दूसरी बात करना चाहूंगी, TEA, DEA, MEA, ये क्या है, बहुत लंबे 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 शब्द हैं। मैं एक उनमें से चूज करूंगी, TEA शॉर्ट फॉर्म जो है वो है ट्राइएथिलोनोमीन। आप ये इंग्रेडिएंट्स में काफी देखेंगे, इट इज लिंक्ड टू कैंसर, इट इज लिंक्ड टू हार्मोनल एंडोक्रिन डिसरप्टर, रिप्रोडक्टिव म्यूटेशन एंड टॉक्सिसिटी इससे होती है। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं हर एक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है और दूसरी बात है बहुत आसान होता है यूज करना, तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स अगर यूज करें उसकी शेल्फ लाइफ तो ज्यादा होगी नहीं, और वो स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, नेचुरल हैं, तो शायद वो दही जैसे फट जाए या शायद उसमें मोल्ड या बैक्टीरिया हो। तो ये स्टेबिलिटी लाने के लिए
इसीलिए पैराबेन यूज किए जाते हैं, मेथिल पैराबेन, यू नो पैराबेन, और जैसे फिनॉक्सी एथेनॉल जिसके बारे में नेक्स्ट मैं बात करूंगी, ये जो है ये एक स्टेबिलिटी देते हैं. बैक्टीरिया, मोल्ड या एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशन जो है वो होता नहीं है. जैसे कि नीम ऑयल होता है, बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है. अगर आप प्योर एसेंशियल ऑयल यूज करें जैसे कि रोजमेरी, जैसे कि लैवेंडर, तो ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव होती हैं. हल्दी, नीम, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव होती हैं. पहले तो ये नेचुरल हैं तो इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और दूसरी बात है इनसे फॉर्मुलेट करना मुश्किल होता है, स्टेबिलिटी नहीं आती. लेकिन मेरा ये जरूर मानना है और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि या तो हम शॉर्ट टर्म क्विक फिक्सेस, इनएक्सपेंसिव ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स खरीदें और वो यूज करें, या तो और फिर उसके जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ के लिए. प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, आप यू नो वो आपके एज अ प्रेग्नेंट वुमन आपके फीटस पे भी वो इफेक्ट करता है. यंग लड़कियां हैं, यू नो कितनी यंग लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है कितनी यंग लड़कियों को, तो ये सब सोचने वाली बात है. तो जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम कुछ अपने स्किन पे डालते हैं तो प्लीज आप ये जानिए कि हमारी स्किन भी खा रही है. इट इज स्किन फूड, इट इज ईटिंग. मॉलिक्यूलर वेट, कितना पतला कितना मोटा वो पदार्थ है उस पे ये निर्भर करता है. लेकिन डेफिनेटली रिसर्च ने दिखाया है हमें कि ये काफी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, प्रोडक्ट जो हैं, हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और उनका इफेक्ट आता है अच्छा या बुरा हमारे स्किन पर और बियॉन्ड आवर स्किन ऑन आवर हेल्थ. तो प्लीज अगर एक्सपेंसिव भी हो, महंगे भी हो, आप ये जज खुद करिए और आप ये एक अपना ही यू नो जजमेंट लीजिए कि आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ, ब्यूटी, हेयर के लिए आप ड्रग स्टोर या चीप या ऐसी इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करें. तो मैं खुद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और मैं अपने दोस्तों को भी यही कहती हूँ, यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ. मैं खुद ये प्रैक्टिस करती हूँ. मैं कॉस्ट नहीं इतना देखती, मैं इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ क्योंकि मुझे, फॉर मी, माई स्किन, माई हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, मैं और एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाली हूँ जो है फिनॉक्सी एथेनॉल. फिनॉक्सी एथेनॉल जो भी ऐसे ओएल होते हैं ना, एथेनॉल, तो ये सिंथेटिकली डिराइव्ड होते हैं और ये एक प्रिजर्वेटिव क्लास होता है, ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है. फिनॉक्सी एथेनॉल बहुत ही हानिकारक इंग्रेडिएंट है, ये एक सिंथेटिक डिराइव केमिकल है, ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है. तो अगर टॉप ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट 2 या 3 साल की शेल्फ लाइफ पे रखने होते हैं तो बहुत आसानी से ये फिनॉक्सी एथेनॉल या पैराबेन यूज करते हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन, मोल्ड, यीस्ट, बैक्टीरिया कंटेमिनेशन ना हो प्रोडक्ट में. लेकिन ये बहुत ही हानिकारक इंग्रेडिएंट है, तो आप ये भी नोट कीजिएगा कि अगर ये आपको दिखाई दे इंग्रेडिएंट लिस्ट में तो आप इससे बच के रहिएगा, आप ऐसे प्रोडक्ट ना चूज कीजिए. अच्छी सी टॉपिक पे बात करें, क्या हम यूज कर सकते हैं, नेचर में कितनी बढ़िया चीजें पाई गई हैं जो हम एक ऑल्टरनेटिव के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं. तो चलिए क्यों ना आप उनके बारे में बात करें थोड़ी खुशी से. यू नो जो हमारे स्पेशली इंडिया में, जो हमारे नेचर में, जो हमारे आयुर्वेद में इतने इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, पाए गए हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और स्पेशली खासतौर पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें हमें क्या देखना चाहिए जो हम कह सकते हैं हाँ ये अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये हम हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकते हैं जो नेचुरल होते हैं या नेचुरली डिराइव होते हैं. तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कुछ इंग्रेडिएंट्स. जब प्रिजर्वेटिव कुछ प्रिजर्व करना होता है, जैसे दही होती है, दही कितने दिन चलेगी, तो अगर दही को आपको 2 साल रखना होता है तो आप कैसे प्रिजर्व करें. जैसे कि जूस होता है ना डब्बों में, प्योर फ्रेश जूस भी तो मिलता है या दूध भी तो मिलता है, तो सोडियम बेंजोएट एक चीज है जो खाने के काफी सारे जूसों में भी आपको मिलती है. सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, ये सॉल्ट हैं, नेचुरल हैं और ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो दीज आर ओके. एसेंशियल ऑयल्स,
रोजमेरी बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल है, नीम ऑयल है, बहुत बढ़िया है, विटामिन ई है, बहुत बढ़िया है। जैसे कि अगर आपको एक अच्छा फील चाहिए, आप ज़ैंथन गम देखेंगे, बबूल गम होता है, अरबिका गम होता है, ये गम जो होते हैं तो ये अच्छे से एक क्रीम को या किसी लोशन को या किसी प्रोडक्ट को एक अच्छा फील दे सकते हैं। तो ये सब बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल हैं, कुदरत की देन है हमें, हमारे लिए, और हमें डेफिनेटली ये यूज करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं एक इंग्रेडिएंट लिस्ट इसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जिनसे मैं खुश हूँ। तो चलिए अब हम एक सीरम की बात करेंगे और एक सीरम प्रोडक्ट देखेंगे जो मुझे बड़ा पसंद है, जो जिसकी पील, जिसका टेक्सचर इफेक्ट लाजवाब है, टॉप ब्रांड, टॉप क्वालिटी, यू नो, से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही साफ, सुरक्षित एंड फैंटास्टिक है, नेचुरल है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, देखिए ये इंग्रेडिएंट्स है, पहले तो ये है रोज हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल वो चीज होती है जो कोई फूल होता है, फूल को जब उसका इसेंशियल ऑयल निकाला जाता है, उसका जो पानी रह जाता है फुल्ली चार्ज, वो इसेंशियल ऑयल के बेनिफिट से वो पानी ये है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ पानी के अंदर कुछ डाल दिया, नहीं, ये वो फूल का जो बचा हुआ पानी है। तो ये है गुलाब, रू गुलाब फूल का पानी, बहुत बढ़िया है, बहुत कूलिंग है, आपकी स्किन के एसिड मेंटल पीएच बैलेंस से मैच होता है, ड्राई स्किन इरिटेटेड स्किन को बहुत काम करता है। तो पहला तो इंग्रेडिएंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट इसमें है ये पानी, ठीक है। जब टॉप में कोई इंग्रेडिएंट होता है मतलब वो सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट उसमें है। तो ये इसमें गुलाब का पानी है। अब उसके बाद में गुलाब का पानी है, मोगरा का पानी है, दूसरे से इसेंशियल ऑयल के हाइड्रोसॉल्ट है इसमें। अब उसके बाद में हम देखते हैं एलोवेरा लीफ जूस। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें है क्यूकम्बर, खीरा। खीरा हम सब जानते हैं बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स है टॉप में, ठीक है, नीचे नहीं आ रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्या है, कैमोमिला। कैमोमिला बहुत कामिंग होता है स्किन के लिए और ये एक आई सीरम है तो बहुत ही कामिंग, क्यूकम्बर, एलोवेरा, ये सब चीजें। फिर इसके बाद में आता है सोडियम एनिसेट, सोडियम लेवलिनेट। ये दोनों ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो नेचर से डिराइव की गई हैं और बिल्कुल ही कंपैटिबल विद स्किन एंड सेफ फॉर स्किन, इकोसर्ट अप्रूव्ड, इकोसर्ट सर्टिफाइड। इसके अंदर जीएमओज नहीं है, कोई भी इसके अंदर जैसे नेचर से भी निकाली गई चीजें जो हार्मफुल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाम हमारे तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो जो ओरैंगोटैंग है उनके लिए हार्मफुल है। तो ओरैंगोटैंग जो है वो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई हैं। अब इसमें हम देखेंगे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। तो इसमें है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कैसिया, इंडियन सेना जो है कैसिया एंगस्ट्रोफोलिया, ये हाइलुरोनिक एसिड का काम करती है। तो आपको पता है हाइलुरोनिक एसिड अगर वो क्रूल्टी फ्री ना हो या अगर वो वीगन नहीं लिखा है, चिकन से, फ्रॉग से, एनिमल्स है ना, एनिमल की जो कार्टिलेज है उससे निकाला जाता है और बहुत ही क्रूअल है। तो हाइलुरोनिक एसिड भी सोच समझ के पता होना चाहिए कि वीगन है, प्लांट बेस्ड है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। तो हाइलुरोनिक एसिड ये जो आप गली सड़कों पे ये पेड़ देखेंगे, इंडियन सेना, इसको इंडियन सेना ही कह लो, उसके पीले पीले प्यारे फूल आते हैं। तो उसका उसका जो उसके जो बीज है वो बहुत ही हाई सोर्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड है प्लांट से, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही मॉइस्ट रखता है। अब इसमें है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हम सब जानते हैं, लेकिन ग्लिसरीन का सोर्स पाम या जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न सॉय नहीं होना चाहिए। तो ये ग्लिसरीन जो है ये इको सर्ट अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है और सेफ सुरक्षित है। तो हम बात करेंगे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, किसी भी प्रकार का गम आप देखिए, किसी भी प्रकार के इसेंशियल ऑयल देखिए, हाइड्रोसोल पानी देखिए, आप अगर ऑयल से डेफिनेटली सही हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम एनिसेट, पोटेशियम सॉर्बेट, ये सारी नेचुरल चीजें हैं, ये सही हैं। और ग्लिसरीन है, जैसे मैंने कहा गम है, काफी सारे लोग बीस वैक्स भी यूज करते हैं,
अगर आप ग्लिसरिन माने तो ग्लिसरिन भी बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, वो भी अगर आप देखें तो सही है. ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आप पाएं किसी इंग्रेडिएंट लिस्ट में तो ये आप जान सकते हैं कि ये सेफ सुरक्षित हैं स्किन के लिए. तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना है. अगली बार अगर आप शॉपिंग करने जाएं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास या चश्मा या दूरबीन लेकर जाएं. आप प्लीज पढ़िए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं. आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, आप प्लीज चेक कीजिएगा, देखिएगा क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं. आप ब्रांड से जरूर ये सवाल पूछिएगा कि ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनका क्या असर है. अगर नहीं दिखाई देते हैं आप पूछिए. यू नो नॉलेज इज किंग और क्वीन जैसे मैं कहती हूँ, तो मेरा मानना है कि कंज्यूमर इज किंग और क्वीन. एंड हम कंज्यूमर हमें कॉन्शियस होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए और हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए और हमारे इस प्लैनेट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी. तो बस मैं यही कहना चाहूंगी. आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड, दिस सेशन. तो फिर आगे मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून. नमस्ते.